अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की आज शादी होने वाली है। इस शादी में देश के कई बड़े राजनेता आ रहे हैं। इस कड़ी में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इस शादी में हिस्सा लेने के लिए मुंबई आ गई हैं। ममता बनर्जी शादियों में जाना ज्यादा पसंद नहीं करती हैं। ऐसे में जब वो अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में शामिल हो रही हैं तो इसको लेकर सभी के मन में सवाल उठ रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा, नीता अंबानी और मुकेश अंबानी के बार बार अनुरोध करने की वजह से वो शादी में जा रही हैं। मुंबई के लिए रवाना होने से पहले कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत की सीएम ममता ने बताया, वैसे तो शादी में शामिल होने का उनका कोई प्लान नहीं था, लेकिन अंबानी फैमिली के बार बार रिक्वेस्ट करने पर वो वेडिंग प्रोग्राम में जाने के लिए तैयार हुई। उन्होंने आगे कहा, मुकेश जी और नीता जी लगातार शादी समारोह में शामिल होने का अनुरोध कर रहे थे, इसलिए मैं मुंबई जा रही हूँ। मुंबई पहुंचकर ममता बनर्जी के चीफ सदर पवार और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात करेंगी। दोनों नेताओं के साथ मीटिंग पर मोहर खुद ममता बनर्जी ने लगाते हुए कहा, उद्धव ठाकरे और शरद पवार से मिलकर राजनीतिक चर्चा करूंगी। ममता बनर्जी के 13 जुलाई तक बंगाल लौट सकती हैं। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में कई राजनीतिक दिग्गज शामिल हो रहे हैं, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, डिप्टी सीएम पवन कल्याण, आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन शामिल है। अनंत अंबानी राधिका मर्चेंट की शादी में शामिल होने के लिए विदेशी मेहमान भी मुंबई पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में सिंगर रीमा भी माया नगरी पहुंची। हाई प्रोफाइल मेहमानों की लिस्ट में पॉप सिंगर रिहाना, जस्टिन बीबर, टैंक दिग्गज बिल गोटर्स, मार्कर जकरबर्ग, ब्रिटेन एफ पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन और टोनी बेलियर और अमेरिका के पूर्व विदेशी मंत्री हिलरी क्लिंटन भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वेडिंग प्रोग्राम में शामिल होने पर अभी सस्पेंस कायम है। रिपोर्टर्स के मुताबिक शुक्रवार को पीएम मोदी मुंबई में कई परिजनों को शिलान्यास करेंगे और अनुमान है कि वो देश की इस हाई प्रोफाइल शादी में बतौर गेस्ट शामिल हो सकते हैं। इंडिया 24/7 लाइव टीवी पर डेस्क रिपोर्ट।